अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है चांद रात। अभी सूरज दिन है तो हम सूरज दिन में निकल गए हैं। थोड़ी सी दाढ़ी सही करानी है और हल्के से बाल बाल सेट करवाने और थोड़ी क्लिनजिंग करानी है, तो हम जा रहे हैं इलियास सैलून हम। और उसके बाद जो है वो करा देंगे, फिर घर का थोड़ा सा इफ्तार का, उसके बाद आज का पूरा दिन का रूटीन क्या वो दिखाते हैं। और पहले ईद के दिन आपको ये चांद रात का व्लॉग देखने को मिलेगा, दूसरी ईद के दिन पहले दिन का, तीसरे के दिन दूसरे दिन का, और चौथे दिन तीसरे, ऐसे कुछ है कुछ ना कुछ तो है। अरे कहना क्या चाहते हो? सो वी आर हेयर एट इलियास सैलून और आज बहुत रश है और मैंने बस थोड़े से काम कराने, ज़्यादा नहीं, तो बस लेट्स सी कि कितना ट्रैफिक है लोग और क्या सीन है। सो अभी क्लिनजिंग है, उसके बाद हेयर कट, बियर्ड सेट होगी। मैं नहीं करवा रहा इतना हेयर कट क्योंकि फिर वो और छोटा छोटा मुँह लगता है अगर फेड करा दूँ तो, वो अभी अगली बार करा लेंगे। अभी के लिए बस थोड़ी सी ट्रिमिंग। 6:51 हो रहे हैं और अभी फ्री हुआ हूँ। मैंने सिर्फ हल्की सी ट्रिमिंग कराई है और हल्की सी बेड शेड कराई है, फटाफट भागने आके रोज़ा घर पे खोलने हैं। 7 बजे रोज़ा खुलेगा, देखते कितनी देर में घर पहुँचता हूँ। बस मैंने यहाँ से लगा लिया अब टर्बो, अभी हमें क्लिफ्टन और टाइम हो रहा है 6:58 और मैं घर के करीब पहुँच गया हूँ। मतलब मिशन अकॉम्प्लिश। आप देख रहे हैं ड्राइवर कितना अच्छा हुआ है, मतलब डोमिनिक टोरेटो। टाइम हो गया, उठ जाओ बिस्तर से यार, तुम्हें कोई तमीज़ ही नहीं है, अजीब है। रोज़े रख के आसान करम पे 15-20 रोज़े छोड़ दिए। मेरी अम्मी ने सरप्राइज़ दिया मुझे, वैलेंटाइन डे की बेडशीट लगा दी है रमज़ान के पाक बरकत महीने में। और ये अच्छा है, मेरी अम्मा ने पिंक नहीं लगाई। एक तो ये इसको पता नहीं क्यों इतना बोलना होता है, इधर ये मेरे साथ प्रैंक हुआ, ये गाइस चेंज हो जाएगी, डोंट जज। ये गुस्से में आ गए थे मेरे घर वाले। फिर रोज़ा पूरा हो गया, कल का शलवार कमीज रेडी है, पर ये जो करंट हुआ है ना मेरे साथ, इसको हम कुछ सही करते हैं। मम्मी जो है मेरी बहुत बीमार चल रही है, आखिर रोज़ा रख लिया है अम्मी ने पूरी मेहनत और हिम्मत और मुशक्क़त के साथ। और अम्मी 3 कलर की मेरे लिए बेडशीट लाई हैं, ऑरेंज, रेड और पिंक। मतलब फुल बार्बी डॉल थीम लगी हमारे घर में और गोला गंडा बेडशीट लेकर आई अम्मी। मतलब सेल में भी इंसान ये कलर नहीं लेता। अम्मी आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने 3 कलर ले लिए? शहताज ने जो है वो लास्ट मोमेंट पर हमें डम कर दिया और हम शहताज के घर के पास से पूरा ऑल द वे मुड़ के वापस जा रहे हैं। शहताज के पेट में कुछ गड़बड़ी सी हो गई, दैट इज द रीजन उन्होंने हमें टोपी करा दी है। दैट इज द रीजन आई फ्लोट ऑन द सर्विस ऑफ वाटर, समथिंग रॉन्ग व्हिच इज गुड फॉर पाकिस्तान। यू गो मां चाहो तो पाकिस्तान जिंदाबाद। और गाड़ी आ रही है और गाड़ी रुक गई तो शहताज नहीं आ रही है। शहताज ने बोला मैं मेहंदी लगा रही, मेरी मेहंदी लगाना कैंसिल क्योंकि मेरे पेट में कोई गुड़ू। कैसे होती है आपकी? हाँ कैसे बोलती है? गुड़ू गुड़ू वन टू बोला। रुको जरा, सबर करो। ये मैकडोनल्ड्स की लाइन लगी हुई है। वो दरमियान में घुसा दीजिए, वो घुसा दीजिए। हाँ बाथरूम की लाइन है ना, घुसा दीजिए। पापा बंद कर दो। हैं जी पापा, वो बंद कर दो। मैं भी ऐसे बैठी रहूंगी जब तक वापस नहीं आएंगे, ऐसे बैठी रहूंगी। बंद कर दूं? कैसा लगा मेरा मजा? तो जो घर पे सजा मिली थी मुझे लाल और पिंक बेडशीट की, वो हम दूर करने के लिए आए। मुझे सजा दी गई थी कि मैं बेडशीट अभी लेके नहीं आया था कमिटमेंट करने के बाद, तो शहताज ने डंडी का मार दिया। तो आज मेरे साथ जो बड़े, तो मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी बेडशीट लेनी है ताकि मेरे घर से लाल और पिंक बेडशीट हट जाए। स्पाइडरमैन घूम टेलर नहीं है, बेडशीट सही करते हैं वो जरिया। ये बेडशीट है क्या? ये
लंदन पेरिस न्यूयॉर्क ग्रीन वाला है सलमान ये नहीं वो चेल्सी वाला दिखा दो सर ये सही है ये सही है दिखाइए मैंने पसंद कराई बताइए अरे यार क्या वाह क्या एक्टिंग है वाह छोटी बच्ची हो क्या और ये बोल रही है कि फ्रॉक के प्रिंट हैं ये देखो इसका इसका इसके शुरुआत में कितना प्यारा लगे देखें जरा हमारे शहर में नहीं है अब हम क्या करने जा रहे हैं हम मेहंदी लगवाने जा रहे हैं और यहाँ मेहंदी लगाने के लिए आए हैं और हम यहाँ फंस गए हैं क्या करें और यहाँ मेहंदी लगवाने आए थे मगर हम यहाँ फंस चुके हैं मास्क उधार कर ढूंढ के लेकर आया हूँ मास्क ऐसी दे दी बोला ले जा भाई तू मास्क ले जा और मैं वो ढूंढते हैं मेहंदी में जो है वो एटलीस्ट एक घंटे की वेटिंग है और तब तक हम जो है वो एक ईदी दिला दो यही रहेगा ईदी दिला दो फाल से दिला दो जिंदगी यही रहेगी मेरी मैं पता नहीं क्या करूँ मिल गया भाई मिल गया ये चाहिए मैडम को सुबह तक का टाइम नहीं है जल्दी डन अगर सही जगह से खुद से ले लेती ना तो हमें ख्वारी नहीं करनी पड़ती रास्ते ब्लॉक कर रही है ये बैठे जाए उठना नहीं अब यहाँ से फिंगर ऑन योर लिप्स शाताश तुम्हें आना चाहिए था तुमने जो चीटिंग करी ना मेरे साथ और इनके साथ ये मेहंदी की वेटिंग हाँ कल इसलिए मेहंदी लगा रही है शाता जाएगी पर अभी मुझे अपनी बेडशीट उठानी है वो स्टिच हो रही है तो मैं वो उठाऊंगा उसके बाद इनकी मेहंदी की वेटिंग है फिर लग रही है भूख अच्छा है सहरी वाला सीन नहीं है अब रोज़े पूरे करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबके रोज़े कबूल फरमाएं आमीन खुद से आपने क्या अर्ज़ फरमाया मैंने बोला बहुत अच्छी चीज़ें दिलाते हैं वरना मैं कहने लगा था पहली बार आपका पेट भरा हुआ है तो आपको चीज़ समझ में आ रही है 440 घंटे घूमने के बाद हम फाइनली मेहंदी लगवाने के लिए आ गए हैं और शी इज़ वेरी कंफ्यूज सोल इनको पता ही नहीं क्या चला है क्या लगेगा मेहंदी लगवाती है भी बता दी हाँ ये मेहंदी नहीं लगाती है मैंने बोला तो ये लगा रही हैं और पूरी मार्केट घूमने के बाद ये बाजी इनको सही लगी तो इनसे मेहंदी लगवाने के लिए आ गई हैं आप धुलेगी नहीं है इस पे ब्लीच हार्पिक लगाने के बाद जाएगी नहीं है जाती है ब्लीच के बाद अच्छा अब मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज़ ओके दवाई तो भाई इन लोगों को खेत के जो है ना मैं आया हूँ केक लेने के लिए रियाज भाई के लिए रियाज सैलून के जो ओनर हैं कॉज वो इज अ वेरी जेंटलमैन आदमी है और मेरे जितनी भी ग्रूमिंग होती है हेयर कट्स होते हैं बियर्ड जो भी मेरे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो सारे रियाज सैलून से होते हैं सो उनके लिए दिस इज़ अ मस्ट टेक कॉम्प्लीमेंट्री ईद विश करने का मेरे तरफ का इस टाइम चाहिए थी मुझे अपने लिए ग्लासेस और वो नहीं मिले दुकान बंद हो गई है और ये गंद हो गई है मुझे किसी स्टॉल से ही चश्मा उठाना पड़ेगा और अपनी ईद गुजारनी पड़ेगी मैं तो बेसिकली मुझे चाहिए चश्मे सिर्फ शूट्स के लिए क्योंकि आंखें बड़ी ऑफ आती है सलवार कमीज में चश्मे कवर कर लेते हैं तस्वीर अच्छी आती हैं वरना शक्ल अच्छी तो है नहीं अभी मैं अपने स्टोर पे खड़ा हूँ जहाँ से मैं कपड़े लेता रहता हूँ बैंकॉक सिटी वो एक आर्टिकल अच्छा लगा मिकी माउस का पर जो मेरा बॉय है वो है नहीं अभी यहाँ पे तो बड़ा ऑफ सीन हो गया है मुझे पूरी ईद की शॉपिंग पे ना सिर्फ एक चश्मे लेने थे अंडरटेकर के मुंह वाली वो आपकी वजह से नहीं मिले मुझे मैंने तो आपको
बोला कि आप चले जाए, खुद ही नहीं जा रहे थे, अकेले छोड़ के जाऊँ, अकेले छोड़ के जाऊँ, तो फिर यही होता। दो मिनट बोलो। फ्राइज ढूंढने निकला था और मुझे मेरा बचपन का दोस्त मिल गया और मुझे मिल गया एक ग्लासेस, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। पर अंकल बहुत महंगा दे रहे हैं, इन्होंने खुद इतने सेसी से चश्मे लगाए हुए, इन्होंने इतने सारे पैसे बोल दिए, देखे हुआ जमाना हो गया यार, डिस्काउंट कर दो आप देख लो। ओहो ओहो ओहो, वो कहते सेमी ब्राइड की मेहंदी है, मैंने लगवा ली। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब ब्राइड तो पता नहीं कब बने, सेमी ब्राइड बन जाते हैं। अभी फिर क्या करना है? अभी आपके ग्लासेस आपको पसंद कराऊंगी, फिर घर जाएंगे, फिर नमाज अदा करेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर शूट करेंगे, फिर बच्चों के लिए ब्लॉग बनाएंगे, तीनों दिन के ब्लॉग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पहले दिन का भी रात में आ जाएगा, दूसरे दिन का भी रात में आ जाएगा, तीसरे दिन का भी रात में आ जाएगा। सो ये थी चांद रात, और चांद रात हो गई है एंड, और बस अब ईद शुरू हो रही है, नमाज पढ़ने जाएंगे, तो वो अब एक अलग व्लॉग है। उम्मीद है आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, हम साथ एंडिंग नहीं कर सके इसलिए अलग अलग बोल देते हैं। लारिब ने वहाँ बोल दिया होगा लाली आउट, लेकिन जनाब नोट आउट, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। देखा सीख रही हूँ मैं अभी व्लॉगिंग करना, यू नो। ओके द बाय, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ये एक मस्ट रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। मिलते हैं पहली ईद के व्लॉग पे।